हेलो दोस्तों। आज इस फार्म को हम एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम न्यूमरोलॉजी के थोड़े से एस्पेक्ट, जिसमें वो बोल रहा है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 4 जून 1990। इसमें जो 4 नंबर है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ का डेट है। इसमें 4 नंबर मूलांक होगा। मूलांक क्या बताता है? इसमें आपके जो नंबर से जो एनर्जी मिलती है या फिर उसके जो लॉर्ड होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करूँगा बिकॉज मैं पाम रीडिंग करने वाला हूँ, पर न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा एस्पेक्ट मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। तो 4 नंबर होता है ना, जो उसका जो लॉर्ड होता है वो राहु होता है। अगर आपके जो न्यूमरोलॉजी के लॉर्ड जो राहु है ना, तो आपको उनको एक्चुअली इम्प्रेस करना चाहिए या फिर उनको जो अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग अगर इनका राहु लॉर्ड है, तो इनको ना एक्चुअली एक जेन्युइन पर्सन रहना चाहिए हमेशा। वो एक ओरिजिनल पर्सन जो इनके पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से दिख के आएगा, इनको ऐसा रहना चाहिए। इनको एक्चुअली हमेशा राहु कैसा अच्छा लगता है, राहु दिमाग से काम करता है, तो इनको हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। फिजिकल वर्क में इतना इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इनको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे काम जो होते हैं जो सिर्फ दिमाग से ज़्यादा लगाए जाते हैं, शेयर मार्केट हो गया, ऐसे सिमिलर चीज़ें हो गई, ट्रेडिंग हो गया, ये सब चीज़ों में इनको बेनिफिशियल रिजल्ट जल्दी मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। ओके, तो अभी कवर कर लिया हमने न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट, अभी रीड करते हैं पाम को। इन्होंने मुझे पाम रीडिंग के जो पिक्स होते हैं उसमें पैटर्न होते हैं, जैसे आपने पूरा हाथ भेज दिया, देन आपने थंब भेज दिया, एक होता है सैंपल फिंगर्स के पिक्चर भेज दिए, थंब भेज दिया, ऐसे देखते देखते आपने बहुत सारे पैटर्न भेज दिए, जिससे एनालिसिस करते टाइम ये सब चीज़ों को रीड करना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग थंब रीड करते हैं। थंब क्या एनालाइज करके बताता है? थंब आपके ना विल पावर को बताता है, आप कितने ट्रस्ट वर्दी हो ये बताता है, आपका फाइनेंस सिचुएशन कैसा होगा वो एक इंडिकेट करता है। यहाँ पे हम लोग चलो ये बताते हैं। इसमें अगर आप देख रहे होंगे ना, ये एक स्ट्रक्चर है इनका कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है। ये एक्चुअली ऐसा फॉर्म होता तो बहुत अच्छा होता, तो इसका मतलब ये है कि इनका अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि चीज़ें कभी मिलेंगी लाइफ में, कभी नहीं मिलेंगी। तो इनके लाइफ में ना ट्रस्ट वाला जो पार्ट है ना, ये लाइफ में हमेशा एक ट्रस्ट नहीं मिला होगा, कभी ना कभी इनको धोखा मिला होगा, बिट्रेड हुए होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि जो मॉडरेट लेवल पे इनको मिल रहा है, जैसे कि कभी इनको ट्रस्ट ब्रेक हुआ, तो इन्होंने सीख के जिस पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर ट्रस्ट करने से पहले सोचना चाहिए और सोच समझ के ही भरोसा करना चाहिए, इन्होंने ये सीखा आगे जाके। शुरू से ही इनको हर कोई भरोसे वाला नहीं मिला होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अभी आगे का पॉइंट है इनका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे इनके हाथ में अगर देखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये एक्चुअली एक अच्छा साइन होता है हाथ में, तो इनको फाइनेंशियली ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और आप बोल सकते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, इनको हेल्प दूसरों से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विल पावर कितना अच्छा होगा। तो अगर आप इनका हाथ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लाइन देख रहे होंगे, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आप जिगजैग लाइन देख रहे होंगे, तो ये इंडिकेट करता है इनका जो विल पावर है ना, हमेशा आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम से भरा हुआ है। कुछ भी चीज़ करने जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, बट इनका विल पावर एक तरह से अच्छा है कि ये कंप्लीट फॉर्म हुआ है ना, मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है तो भी ये एंड तक जा रहे हैं। लाइफ में कुछ एम है, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, इसको वो फेस करके भी एंड तक जा रहे हैं। तो इनका विल पावर एक तरह से अच्छा है, बट लाइफ में बहुत सारा चैलेंज मिलेगा इनके लाइफ में। ओके, तो अभी हमने कवर कर लिया है फर्स्ट फिंगर। तो अभी फर्स्ट फिंगर में नहीं बोलता, मैं थंब बोल देता हूँ। अभी जाते हैं फर्स्ट फिंगर की ओर। फर्स्ट फिंगर कौन सा होगा? ये जुपिटर, जुपिटर वाला फर्स्ट फिंगर, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, थोड़ा सा अगर टिल्ट होता है ना लाइन, तो उसका इंडिकेट मतलब होता है कि उनको खुद की तारीफें सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में ना ये लोगों को थोड़ा आप बोल सकते हैं निगेटिव होते हैं, शायद कोई पूछ भी नहीं रहा, तभी भी सेल्फ प्लीजिंग हो सकते हैं या फिर दूसरे इनकी तारीफ करके अपना काम निकलवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। थोड़ा इनमें ये दिख रहा है क्वालिटी। इसके अलावा ऐसा है कि इनको पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। और फिंगर्स का ही मैं बात कर रहा हूँ, तो फिंगर्स आपके ना एनर्जी को बताती है। ये जो माउंट होगा, ये उनकी क्वालिटी होगी, ये एनर्जी होगी, मतलब कोई भी आपकी क्वालिटी कैसी है, आप उसको किस डायरेक्शन में यूज़ कर पाओगे। तो इनका ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना, कभी कभार हो सकता है कि ये सेल्फिश बिहेवियर दिखाएं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनका मैनेजमेंट लीडरशिप ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, देन आता है हमारा मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर भी देखेंगे तो एक स्ट्रेट है। मिडिल फिंगर का स्ट्रेट है ना, तो आपका प्लानिंग अच्छा होगा, आप स्ट्रैटेजी अच्छा बनाते होंगे, एंड आप ना थोड़े से मनी माइंडेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते हैं अगर मिडिल फिंगर स्ट्रेट होता है तो। ठीक है, और इनका एनर्जी भी स्ट्रेट होने की वजह से पॉजिटिव होगा, और एनर्जेटिक ही रहेंगे जब भी कुछ कर रहे होंगे तो। ठीक है, अभी आता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट रिंग फिंगर इंडिकेट करता है कि आप ना नेचर से कितने अच्छा कनेक्टेड हो,
और रिंग फिंगर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपको ज़िंदगी की सुख सुविधाएं लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको दूसरों को जानना ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे से कनेक्ट होना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये केस में ना ये ऑलमोस्ट मुझे बैलेंस दिख रहा है लाइन, तो ये ना आप दोनों बैलेंस बना के चलोगे, जैसे कि खुद को जानना, नेचर से कनेक्ट होना, ये दोनों आप थोड़ा बैलेंस बना के चलोगे लाइफ में। तो आपका इस तरह से ये अच्छा है, आप बोल सकते हैं कि आप दोनों चीज़ों का सुख सुविधाएँ ले सकते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल होना और वर्ल्डली डिज़ायर्स और एस्थेटिक चीज़ें, गाड़ी घोड़ा, ये सब का भी अनुभव करना और ख़ुद को भी जानना अंतर से, स्पिरिचुअली अपने आप को जानना, ये दोनों चीज़ें आप कर पाओगे और आपने इसको बैलेंस मेंटेन किया तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। देन इसके बाद आता है आपका लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर भी ये एक तरह बोल सकते हैं यहाँ के ऊपर नहीं गया है, राइट? तो ये ना मॉडरेट लेवल होता है, इसमें आपका कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल एक मॉडरेट लेवल पे होता है, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं रहोगे। जैसे कि अगर किसी का लिटिल फिंगर अगर मॉडरेट लेवल पे होता है ना, उसका मतलब ये है कि उसके जो स्किल्स है, आप बोल सकते हैं क्वालिटी है, वो मॉडरेट लेवल पे होगा, क्योंकि मैंने बोला ना आपको फिंगर्स के लेंथ से फ़र्क पड़ता है, जितना लंबा फिंगर होगा ना वो उतना बेटर एनर्जी और उस पर्टिकुलर एनर्जी के डिटेक्शन को बताता है। तो इसमें अगर मॉडरेट है तो ये आप बोल सकते हैं जैसे कि आप अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अच्छे हो सकते हैं, पर एक बहुत बड़े लेवल पे आप बहुत कुछ कर रहे होंगे वैसा थोड़ा कम हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो मैं ये बताना चाहता था। तो इसमें मतलब हम लोग फिंगर पढ़ रहे हैं, फिंगर्स के बारे में कैसा होता है कि एनर्जी बता सकते हैं, डिरेक्शन बता सकते हैं, अभी जब हम लोग माउंट पढ़ रहे हैं तो माउंट में क्वालिटी बताएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं क्वालिटी के बारे में। तो अभी फर्स्ट है हमारा वीनस माउंट, ये आप देख सकते हैं वीनस माउंट इस एरिया को कहते हैं। अगर मैं अगर बोलूँ ना इस वीनस माउंट के बारे में, तो ये थोड़ा सा ना अंडर डेवलप्ड है, इसमें ना आप बोल सकते हैं कि इसको ना फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा इस पर्सन को। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन्स हैं, और थोड़ी ज़्यादा अगर वर्टिकल लाइन्स होने की वजह से ना पर्सन थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता ही है, थोड़ा सा ईगो भी दिखने लग जाता है पर्सनैलिटी में, थोड़ा अनप्लीजेंट साउंड कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी वो फिजिकली आप बोल सकते हैं उतना स्ट्रांग नहीं है या पर्सनली डेवलप नहीं है, अपने आप को ये संभाल भी नहीं पा रहे होंगे, जैसे कि अपने आप को मेंटेन रखना, अपना केयर करना, ये थोड़ा इनके लाइफ में थोड़ा कम है। तो इसके बारे में इनको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएंगे तो अच्छा है। रेमेडीज ऐसा होता है कि खुद का केयर करें, फीमेल्स का रिस्पेक्ट करें, उनके थ्रू आपको हेल्प मिल सकता है, आप उनका हेल्प करें, अपना वाइट कलर्स के कपड़ों का ज़्यादा वियर करें और गुलकंद खाएं, और सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट स्किल अच्छा रहेगा तो आपको इस पे वीनस में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, बिकॉज वीनस को ये सब चीज़ें पसंद हैं। अगर आपको डेवलप करना है तो वैसे क्वालिटी को आप अडेप्ट करें, ठीक है? तो अभी जाते हैं हम लोग जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट ये वाला एरिया है, तो जुपिटर माउंट ये केस में डेवलप्ड है, और यहाँ पे लाइंस अगर आप देखेंगे ना, एक वर्टिकल लाइंस आ रही है ना जो इंडिकेट करती हैं कि इनको ना एम्बिशंस है लाइफ में। अगर लाइफ में एम्बिशंस होता है ना, अगर आप उसको अचीव नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम दिखता है, इंसान थोड़ा खुश कम दिखता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन आए, तो आपको ना लाइफ में एम्बिशन जो होंगे ना उसको कंप्लीट करना होगा, उसको अचीव करना होगा। तो आपके लिए एक पॉइंट हो गया, या आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सैटर्न माउंट। तो सैटर्न माउंट इस केस में ना अंडर डेवलप्ड है, बिकॉज आप देखेंगे ना यहाँ पे उभार नहीं है, इसका मतलब यह है कि क्वालिटी अभी तक इतनी इम्प्रूवाइज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी अच्छी है, बट आप एफर्ट नहीं दे रहे, मतलब का प्लानिंग अच्छा है, स्ट्रैटेजी अच्छा बनाते हो, पर उसमें एफर्ट नहीं दे रहे हो। एफर्ट नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा, चीज़ें डिले होंगी, या आपके हाथ के देख के मालूम पड़ रहा है कि चीज़ों में डिले हो रहा होगा, ठीक है? तो आपको इसके लिए इम्प्रूवमेंट करना होगा, हार्डवर्क करें आप। आपको हार्डवर्क ऐसा हो रहा है कि आप समझिए कि मैंने बोला है कि आपका राहु अच्छा है, आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बट उसमें भी आपको कंटिन्यूस करना होगा, उस तरह का हार्डवर्क के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपका जो स्किल्स है ना थोड़ा आप बोल सकते हैं शार्पन हो जाए, वो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा सन माउंट। तो सन माउंट के केस में ना आप देख रहे हैं कि मॉडरेटली डेवलप्ड है, बट एक चीज़ अच्छी है, आप देख सकते हैं एक अच्छा लाइन गया है यहाँ पे, स्प्लिट हुआ है लाइंस। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है मैं बोल देता हूँ, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ना ये लाइन यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो मोस्टली इसके आगे से अगर शुरू होता है ना, तो 38 के बाद आपको ना सक्सेस ज़्यादा दिख के आएगा, और आपको ना मल्टीपल फील्ड में करियर में सक्सेस दिखेगा। आपका थोड़ा मूड स्विंग से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको ना इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है, ये चीज़ आपके हाथ में अच्छा है, ठीक है? तो ये हो गया सन माउंट। और एक और चीज़ अच्छा है कि आपका ना आपके पेरेंट्स में आपके डैड से आपको रिस्पेक्टफुल चीज़ें अच्छी मिलेंगी, और ये भी है कि अगर आपने उनका वैल्यू ज़्यादा किया ना, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलने लगेंगी। ये है, आपको उनसे रिलेशनशिप अच्छे से बना के रखना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा अपना मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट ये वाला माउंट है, ये आप देखेंगे तो डेवलप्ड है, यहाँ पे वो काफ़ी लाइन्स है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, तो आपको ये अच्छा चीज़ है, आप अपने बिजनेस, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स इसके थ्रू भी काफ़ी अच्छा कुछ ले सकते हैं, ठीक है?
अभी हो गया वो माउंट जो हम लोग को फिंगर्स के नीचे है, अभी उसके अलावा जो माउंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी है राहु वाला माउंट जो अपर मार्स कहते हैं। अपर मार्स में ये बता रहा है कि आपका लाइफ लाइन हेडलाइन सेपरेटेड है, तो ऐसा पर्सन ना इंडिपेंडेंट होता है, जल्दी किसी का सुनता नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, और ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। एंड इनमें ये भी है कि जल्दी किसी का सुनेंगे नहीं ना, तो हो सकता है खुद की चीज़ें जो इन्होंने करेंगे ना उनमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, पर इनका लाइफ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा है इसीलिए क्योंकि सब चीज़ें खुद से कर रहे हैं। जो दूसरों के डिपेंड होने से, दूसरों के सपोर्ट से काम करता है, उसको खुद की कॉन्फिडेंस थोड़ी कम होती है, ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो ये एक चीज़ है। और इनका अपर मार्क्स स्ट्रांग है, तो इनका ऑथोरिटेटिव बिहेवियर, अग्रेसिव नेचर इनको अच्छे रिजल्ट ला सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मार्स। सेंटर ऑफ मार्स ऐसा है कि ये थोड़े से लोअर दिख रहा है ना ये अगर आपको, तो इसका मीनिंग है कि आप जल्दी घबरा जाते हो, आप थोड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हो, इमोशनली भी आप ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको ना ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसमें ऐसा है कि सजेशन ऐसा दिया जाता है कि आप कब तक ये चीज़ के बारे में रिएक्ट करोगे, इस बारे में कभी सोचो कि इसमें इतना रिएक्ट करना ज़रूरी था क्या, थोड़ा इस बारे में सोच के एनालाइज करो ताकि ये इमोशन आपको कंट्रोल होने लगे, ये चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना होगा। इसी बात है लोअर मार्स। लोअर मार्स भी मुझे इतना डेवलप्ड नहीं दिख रहा है, मॉडरेटली डेवलप्ड है। इसका मतलब ये है कि पेशेंस लेवल में भी आप अच्छे कुछ कर सकते हैं, बट आपको ये और अच्छा करना होगा, शायद आप उतने भी पेशेंस नहीं हो, आप थोड़े ईगर रहते हो, नई नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा आप जल्दी एक्साइटेड हो सकते हो, बट फिर भी आप उस चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पा रहे रहोगे। तो आपको ना पेशेंस लेवल में लेके चीज़ें ग्रैस्प करनी चाहिए, थोड़ा डीप डाउन सोचना चाहिए ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, अभी आता है माउंट ऑफ मून। तो माउंट ऑफ मून मुझे ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं लग रहा है, पर इसमें बहुत कुछ है आपके लाइफ में जो आपको मिल सकता है, जैसे कि आप ना आप अच्छे क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, और दूसरा ये है कि आपका ना मन उतना शांत नहीं रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, तो ये एक चीज़ आपको कंट्रोल करनी चाहिए। और आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, मतलब आप जो मन से सोचते हो ना उस काफ़ी सी चीज़ें ट्रू हो सकती हैं, तो आपको ये एक्चुअली इंट्यूशन अगर ट्रू होता है ना तो आपको इसको पहले पॉजिटिव करना होगा, अदरवाइज निगेटिव चीज़ें अगर ट्रू होने लगेंगी तो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम में ला देगा, तो आपको पहले पॉजिटिव करना होगा। आपको आपके मॉम से अच्छा कनेक्शन रखना चाहिए, डेली आप बात करें, आपका मन थोड़ा क्लीन रखे, थोड़ा योगा ट्राई करें, मेडिटेशन ट्राई करें, तो आपको उससे बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने लगेंगे। और ये है कि ट्राई करिए कि चांदी का कुछ वियर करें, और फीमेल्स के हेल्प करना ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे, बिकॉज उससे मन भी थोड़ा क्लियर होने लगे, बिकॉज मून इज़ रिप्रेजेंटिंग दी मन, एंड मन का मीनिंग होता है उनसे जिनका मन ऑलरेडी, आप बोलते हैं ना माँ का मन हो गया, उनसे जिससे आपको अफेक्ट होता है, अब ऐसे ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे ना तो आपको थोड़ा बेनिफिशियल रिजल्ट दिख के आएगा। ठीक है, और आप रेमेडीज में रिंग भी पहना जाता है, बट आपको रिंग का सजेशन मैं नहीं दूंगा, बिकॉज वो थोड़ा कुंडली रीडिंग में दिखता है कि कौन से चार्ट में वो नंबर है, और उस चार्ट के अकॉर्डिंग वो रिंग पहनना अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो रिंग वियर करना ये ऑप्शनल है। ठीक है, बट आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आपके बॉडी में वाटर कंटेंट बैलेंस रखें, सिल्वर पहन सकते हैं, सिल्वर तो एक कॉमन चीज़ है जो इसका रेमेडीज होता है, और वाइट कलर की चीज़ें पहने, दान ना करें, तो वो एक अच्छा होगा आपकी लाइफ में, बिकॉज मून को ये सब पसंद है, तो आप अपने पास रखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे माउंट ऑफ मून के बारे में बातें। अभी हम लोग करेंगे लाइन्स में। तो लाइन्स में पहला आता है हमारा हार्ट लाइन। तो ये है हमारा हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो हार्ट लाइन है थोड़ा थिक है और यहाँ तक आके रुक गया है, तो आप ना ऐसे हो कि आप बहुत इमोशनली इंक्लाइंड पर्सन हो, और ये भी है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो सामने वाले से, आपका नेचर थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से आप शायद सब लोगों में एक अच्छे पर्सन या फिर इमोशनली वेल कनेक्टेड नहीं फील कर पाओगे, आपको थोड़ा सा इमोशनली आपको बोल सकते हैं कि इश्यूज हो सकते हैं, आपको थोड़ा सेटबैक्स मिल सकता है लाइफ में, जैसा आपने सामने वाले के लिए एक्सपेक्ट किया शायद सामने वाला वो उतना एक्सपेक्ट नहीं किया है, और आपको वो चीज़ों के बारे में थोड़ा निराशा हो गया, या आप बोल सकते हैं कि आपने कुछ सोचा उस बारे में होने वाला है वो उनके साथ नहीं हुआ। ये रिलेशनशिप के लिए भी एप्लीकेबल है कि शायद आपने सोचा ये वर्क कर जाएगा, या फिर ये इमोशनली में कनेक्शन फील कर रहा, सामने वाला नहीं कर रहा होगा, बिकॉज आप थोड़े ज़्यादा ही इमोशनली सोच रहे हैं, सामने वाला नहीं सोच रहा, ऐसे में एक्सपेक्टेशन थोड़ा फॉल होता है, तो ये आपको थोड़ा सा संभालना चाहिए। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपके माइंड में जो आइडियल पर्सन का अप्रोच है उस बारे में थोड़ा सोचें कि सामने वाला शायद उतना आइडियल ना हो, बट फिर भी आपको सोचना चाहिए कि इतना आइडियलिज्म नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा आप माइंड में आपको माइंड से थोड़ा चेंज करना होगा कि एकदम लाइफ में जैसे मैं आइडियल पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ मुझे नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन आप देखेंगे जैसे थोड़ा कर्व फॉर्म हुआ है, स्टार्टिंग में ना लाइन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसा पर्सन ना माइंड से स्ट्रांग तो है बट माइंड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे इसको, अपने प्रैक्टिकलिटी अप्रोच से अच्छा कुछ कर पाएगा
बट 40s के बाद इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, क्लैरिटी ज़्यादा है, माइंड में टेंशन कम है। अभी बहुत चैलेंजेस रहेंगे लाइफ में इनके, ठीक है। 40s के बाद अच्छा कुछ मिलेगा इनको, मोस्टली ये अच्छा कुछ करने के साथ है, इनका जो माइंड है काफ़ी क्लियर रहेगा और बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं ना एक्यूरेसी रहेगी इनके थॉट प्रोसेस में। और ये ऐसे पर्सन हैं जो नॉलेज गेन करेंगे ना तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना आप बोल सकते हैं कि ये ऐसे पर्सन दिखेंगे कि जिनको देख के लगेगा कि इनको नॉलेज बहुत अच्छा है। अगर ये वैसा नहीं दिखेंगे या फिर आप बोल सकते हैं वैसा नहीं बता पाएंगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका पर्सनैलिटी ऐसा है आप उसमें फुलफिल कर पाएँ। तो आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, नॉलेज शेयर करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा ना, इससे ना आपका ना जो वर्ल्ड वाइड जो नॉलेज है ना आपका, मतलब आपका देख के लग रहा है हाथ कि आप वर्ल्ड में बहुत कुछ आप नॉलेज गेन कर सकते हो, तो आपको वो मौका मिलेगा। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो आपको ट्राई करना है कि जितना इन्वॉल्व हो सके उतना हो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अभी आता है हमारा लाइफ लाइन। अगर आप लाइफ लाइन देखेंगे ना तो ये स्टार्टिंग में ना इनिशियली प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो हेल्थ इश्यू हुआ रहेगा, मिस्टीरियस लाइफ होती है थोड़ी जो आप लोग नहीं शेयर करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं वो। इसके बाद भी आपका ना आप थोड़े से हेल्थ वाइज उतने स्ट्रांग नहीं हो, ये इंडिकेट हो रहा है, बट लेटर ऑन आपका हेल्थ बेटर रहेगा करेंट टाइम से तो, और आप थोड़ा मतलब रूटीन फॉलो करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फेट लाइन। यहाँ पे बहुत बहुत सारे लाइन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, शुरू में दिख रहा है। तो आप ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आउटसाइड ऑफ फैमिली पर्सन, तो इससे क्या होगा ना आपको मल्टीपल करियर इनकम सोर्स मिल सकता है, बट आप में ना फोकस कम है। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे बट किसी चीज़ में कॉन्स्टेंट नहीं रहोगे ना तो लेटर ऑन क्या होगा कि आपको ना थोड़ा गैप मिलेगा आपके करियर में। तो ये आपके हाथ में दिखेगा कि फिर बाद में क्या होगा, तीन करियर था धीरे धीरे करके एक हो गया। अगर आपने पहले से अच्छा किया होता तो एक ही आपका बहुत स्ट्रांग होता, पर आपको मौके वैसे मिले हैं तो आपने उस तरह से परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है। तो आपके करियर जो है कॉन्स्टेंट नहीं है बट चेंज होता रहेगा, बट मल्टीपल इनकम सोर्स आपके हाथ में दिख रहा है। और ये हो गया हमारा है फेट लाइन के बारे में। अभी जाते हैं रिलेशनशिप लाइन के बारे में जानने के लिए। तो इन्होंने मुझे भेजा था तो ये वाला, हाँ ये वाला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे दो लाइंस क्लियरली दिख रही हैं जो इंडिकेट कर रहा है रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप एक इवेंट होता है जो आप बोल सकते हैं कि इस टाइम उस पर्सन का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके लाइफ में दो लोगों का आने का चांसेस है या फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। शुरू में इधर दिख रहा है कि इतना अच्छा कनेक्शन फील नहीं हुआ, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश होता गया। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में अराउंड 24 के एज में आया होगा, जिससे इनको लग रहा था कि शुरू शुरू में इतना नहीं जम रहा है, फिर धीरे धीरे करके जमने लग गया, पर फिर भी ये रिलेशनशिप बहुत एंड तक नहीं जा पाया। उसके बाद आप बोल सकते हैं 29 के आसपास एक रिलेशनशिप आएगा जो मोस्टली मैरिज में कन्वर्ट होगा, पर यही है कि अगर वो मैरिज में नहीं जाता है तो ये आगे जाके उतना रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में उतना नहीं सोचेंगे। तो इनका हाथ ऐसा दिखाता है, बट हाँ सेकेंड रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, बट इसके बाद अगर रिलेशनशिप में इनको इंटरेस्ट कम रहेगा ऐसा ये इंडिकेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी आपका पाम रीड करवाना हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जिनका मैंने अगर अभी हाथ पड़ा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।